नमस्कार, मैं हूं श्रुति। आप देख रहे हैं सत्य खबर। बता दूं कि अभी मेरे साथ गजिया विधानसभा से विधायक सतीश मालवीय जी मौजूद है। और बता दें कि आज एक खास मौका है और आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है उनके गृह नगर उज्जैन आ रहे हैं। तो चलिए इसी को लेकर सतीश जी से बातचीत करते हैं। जी सर, कैसा लग रहा है आपको आज डॉक्टर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है अपने गृह नगर उज्जैन आ रहे हैं? देखिए, उज्जैन के अंदर एक त्योहार सा उत्साह सा माहौल है। उज्जैन में ही नहीं वरन पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, उज्जैन जिले के तो हर प्रत्येक व्यक्ति को जो जन जन के नेता हमारे उज्जैन में विकास पुरुष के नाम से जिनको जाना जाता है डॉक्टर मोहन यादव जी, उनको नव निर्वाचित मुख्यमंत्री बने हैं। तो उज्जैन की जनता, हर वर्ग का व्यक्ति पलक फावड़े बिछा कर उनका स्वागत करने के लिए आतुर है, उनका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा सर, ऐसा भी सुना है कि 2013 से 2018 तक आप लोगों ने साथ में काम किया है, आपने भी डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ काम किया है, तो कैसा लग रहा है? लग रहा था कि ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें संगठन ने चुना है? देखिए, डॉक्टर मोहन यादव जी शुरू से विजनरी लीडर रहे हैं, नेता रहे हैं। 2003 में जब वो विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हुआ करते थे, उसी समय से उज्जैन की कायाकल्प पलटने का उन्होंने काम किया था। और निश्चित ही 13 से 18 और 18 से 23 के बीच में उन्होंने इस उज्जैन में अमूल चूल कई सारे विकास कार्यों को मूर्त रूप दिया है। और निश्चित ही इस प्रकार के विकास पुरुष जो उज्जैन के साथ साथ पूरे क्षेत्र का जिन्होंने ध्यान रखा, उनको मध्य प्रदेश की शीर्ष नेतृत्व ने मुख्यमंत्री के रूप में सिलेक्ट किया है, उनको निर्वाचित किया है। तो निश्चित ही एक प्रकार का जो उत्साह है बना हुआ है, और आने वाले समय में भी वो इस मध्य प्रदेश में को विकसित करने के लिए प्रण प्राण से जुटेंगे और बहुत अच्छा विकास इस मध्य प्रदेश की धरती पर होगा। अच्छा सर, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री है, आप विधायक है, तो आगे जनता को इसकी क्या सौगात मिलेगी? साथ में आप लोग किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से जनता का जो है और विकास होगा, उज्जैन का, मध्य प्रदेश का विकास होगा? देखो, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी जो विजन रखते हैं, मध्य प्रदेश के जो नव निर्वाचित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी बने हैं, निश्चित ही इस मध्य प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने के लिए भरपूर ताकत के साथ काम करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है, हम बाबा महाकाल के, हम सब लोग सेवक है, बाबा महाकाल की नगरी के रहने वाले हैं, और बाबा महाकाल का नाम पूरे विश्व के अंदर सब दूर गुंजायमान है। इसी प्रकार हम तो कामना करते हैं बाबा महाकाल की कृपा से, बाबा महाकाल के आशीर्वाद से हमारे उज्जैन के लाल, हमारे उज्जैन के विकास पुरुष और हमारे उज्जैन के ही मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव इस मध्य प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाते हुए पूरे भारत के अंदर एक नंबर पे लाने का काम करेंगे। जी धन्यवाद सर। तो अभी हम बात कर रहे थे गजिया विधानसभा से विधायक सतीश मालवीय जी से, जिन्होंने भी बताया कि आज जो है सभी पलक पावड़े बिछाकर बैठे हुए डॉक्टर मोहन यादव के इंतजार में। और बता दें कि सभी जो है महाकाल बाबा के सेवक है और इसी तरह से जो है उज्जैन का विकास किया जाएगा, जनता का विकास किया जाएगा। और जैसा कि सतीश मालवीय जी ने भी कहा कि उज्जैन को पूरे विश्व में जो है नंबर वन पर लाया जाएगा, मध्य प्रदेश को जो है डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश का भी इसी तरह से विकास करेंगे, साथ ही उज्जैन का भी करेंगे। तो इसी के साथ देखते रहिए सत्य खबर, क्योंकि सत्य खबर आपके साथ पल पल की अपडेट जो है साझा करता रहेगा। मैं हूं श्रुति, आप देख रहे हैं सत्य खबर। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।